अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। टुडे वी विल डिस्कस साइंस ऑफ क्लास 8, लेक्चर नंबर 5 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज एक्शंस कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम, दैट इज ऑन पेज नंबर 7। हमारे टॉपिक का मतलब क्या है? हमारे टॉपिक का मतलब ये है कि नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के कौन कौन से फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, कौन कौन से एक्शंस हैं हमारे जो डिपेंड करते हैं नर्वस सिस्टम पर। ठीक हो गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्शंस, वन वॉलंटरी एक्शन एंड नंबर टू इनवॉलंटरी एक्शंस। हमारे पास दो किस्म के एक्शंस हैं बॉडी के अंदर जो रहते हैं, एक वो जो वॉलंटरी एक्शंस हैं और दूसरे इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। पहले हमारे पास है वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं? The body actions which are performed under conscious control, that is, which are done after thinking over them, are called voluntary actions. यानी कि जिस्म के वो तमाम actions जो हम शौरी तौर पर करते हैं, ठीक है, शौरी तौर का मतलब क्या है, जिन्हें हम सोच समझने के बाद करते हैं, सोच समझ के जो actions हम perform करते हैं वो हमारे पास होते हैं voluntary actions। हम ये भी कह सकते हैं कि ये ऐसे actions हैं जो हमारी will में हैं, जो हमारे control में हैं। Example क्या है हमारे पास voluntary actions की? Like speaking, हम सोच समझ कर बोलते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। Eating, खाना, भूख लगती है तो खाते हैं, दिल करता है तो उठाते हैं खाने के लिए, नहीं करता तो नहीं उठाते, नहीं खाते। रीडिंग, पढ़ते भी हम सोच समझ के हैं, ये भी हम हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में हैं, ठीक है, सोच समझ के हम पढ़ते हैं। वॉकिंग हमारे कंट्रोल में है, मर्जी होती है तो चलते हैं, नहीं तो नहीं चलते। रनिंग, दौड़ना, ये भी हम अपनी हमारी विल में है, हमारे कंट्रोल में है। इसके अलावा क्लैपिंग, ठीक है, तो ये बॉडी के वो एक्शंस हैं जो हम, जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल, हमारा ब्रेन जो है उसका कॉन्शियस पार्ट जो है वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, यानी कि शौरी तौर पर। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर, जो कि हमारे पास है इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The body actions which are performed without thinking over them are called involuntary actions. ये हमारे body के वो parts, वो functions हैं, वो actions हैं जो कि जिनके, जो हम सोच समझ कर नहीं करते हैं, ठीक है, हमारी body automatically इनको perform कर रही होती है, हमारी will में नहीं है, ये हमारे control में नहीं होते, ये खुद बा खुद होते रहते हैं, ठीक है। इनवॉलंटरी एक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, इन्हें हम शौरी तौर पर कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, ये ऐसे एक्शंस होते हैं, ठीक है, ये हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है और ये मुसलसल परफॉर्म हो रहे होते हैं फंक्शंस, ठीक है। लाइक ब्लड सर्कुलेशन, हर वक्त आपके जिस्म के अंदर खून जो है वो सर्कुलेट कर रहा है लेकिन हमें इसके बारे में महसूस भी नहीं होता है कि हमारे जिस्म के अंदर ब्लड जो है उसकी सर्कुलेशन हो रही है, ठीक है, हार्ट से बॉडी की तरफ और बॉडी से हार्ट की तरफ, लेकिन ये मूवमेंट तो मुसलसल हो रही है लेकिन हमें इसके बारे में महसूस नहीं होता है, ठीक है। सो हम कहते हैं कि इसको हमारा कॉन्शियस ब्रेन जो है वो कंट्रोल नहीं कर रहा, ये इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, हमारी विल में नहीं हैं, हम अपनी मर्जी से इन्हें रोक नहीं सकते हैं और इन्हें स्टार्ट भी नहीं कर सकते हैं, हम अपने जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन को रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, ये इनवॉलंटरी एक्शन है। इसी तरह से हार्ट बीट, हमारा हार्ट मुसलसल धड़क रहा होता है और हम इसको, अपनी हार्ट बीट को भी अपनी मर्जी से नहीं रोक सकते, अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि ये हमारा कॉन्शियस ब्रेन जो है वो कंट्रोल नहीं कर रहा, ये हमारे पास इनवॉलंटरी एक्शन है। इसके अलावा सांस लेने का मन, हम दिन भर में कई दफ़ा सांस लेते हैं, हमें महसूस भी इतना नहीं होता है, ठीक है, और ये भी हमारा इनवॉलंटरी एक्शन है, खुद ब खुद परफॉर्म होता है। इसके बाद अब्सॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी जो छोटी आंत है, हम अभी पिछले अपनी प्रीवियस क्लासेस में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, क्लास 7 में, वहाँ पर आपने ये पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कि किस तरह से फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जरिए से अब्सॉर्ब होता है ब्लड के अंदर।
तो ये भी हमारे पास इन्वॉलंटरी एक्शन है। इसके अलावा ब्लिंकिंग ऑफ आइज, हम आंखें मुसलसल झपक रहे हैं, तो ये वाला जो एक्शन है ये भी इन्वॉलंटरी एक्शन में आ जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल से आप लोगों को इन्वॉलंटरी एक्शंस समझ में आ गया होगा। क्लास अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या। एन इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ये एक ऐसा एक्शन है जो कि इनवॉलंटरी भी है और इमीडिएट भी है, यानी कि हमें ये बॉडी का ऐसा एक्शन है जो हमारा कॉन्शियस ब्रेन जो है वो कंट्रोल नहीं कर रहा। ठीक है, इनवॉलंटरी है तो अनकॉन्शियस ब्रेन इसको कंट्रोल कर रहा है, और ये इमीडिएट है, फौरन फौरन हमें ये रिएक्शन जो है वो देना होता है। ठीक है, ये एक्शन जो है वो प्रोसेस करना होता है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब इसकी एग्जाम्पल की तरफ आएंगे तो हम इसको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन। सो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है क्विक पुलिंग ऑफ हैंड जस्ट आफ्टर टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट। जैसे ही आपका हाथ किसी गर्म चीज़ को लगता है तो आप फौरन हाथ जो है वो पुल कर लेते हैं, पीछे की तरफ खींच लेते हैं। तो इस तरह से क्यों होता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। इतनी जल्दी जल्दी से हमारे ब्रेन तक मैसेज चला भी जाता है कि कोई जो है वो इन्वायरमेंटल चेंज है, टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा है, तो हमें जैसे ही उसको रिसेप्टर्स हमारे इसको रिसीव करते हैं तो फौरन ब्रेन के पास मैसेज आता है, और एंड देन ब्रेन से हमें जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं उसके अकॉर्डिंग फिर हम फौरन हाथ जो है उसको पुल बैक कर लेते हैं, वापस खींच लेते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी रिफ्लेक्स एक्शन की। अब ये प्रोसेस कैसे कैसे होता है अब हम ये देखेंगे। फ्रेंड्स, ये है हमारे पास एक फ्लो चार्ट जिसकी मदद से मैं आपको समझाऊंगी कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन में फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे पास होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस में आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में समझा चुकी हूँ कि क्या होता है स्टिमुलस। अब यहाँ पर जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल अभी ली है क्विक पुलिंग ऑफ हैंड जस्ट आफ्टर टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हॉट यानी कि टेम्परेचर जो है वो हमारे पास क्या है स्टिमुलस। ठीक है, और इस स्टिमुलस को रिसीव करेंगे रिसेप्टर्स। ठीक है, दिस स्टिमुलस इज रिसीव बाय द रिसेप्टर्स। ठीक है, उसके बाद जैसे ही रिसेप्टर हमारे पास क्या हो सकते हैं, अब टेम्परेचर है तो इसको हमारे स्किन सेल्स जो हैं वो डिटेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, हमारी स्किन इसको डिटेक्ट करेगी इन चेंज इन टेम्परेचर को। उसके बाद हमारे स्किन सेल्स के रिसेप्टर जब इसको रिसीव कर लेंगे तो उसके बाद वो क्रिएट करेंगे एक नर्व इम्पल्स। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेंगे, एक नर्व इम्पल्स क्रिएट की जाएगी और ये नर्व इम्पल्स देन जाएगी हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स के पास। ठीक है, अब आपको पता है कि फंक्शन क्या है सेंसरी न्यूरॉन्स का। सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन है कि वो हमारे पास मैसेज या नर्व इम्पल्स को लेकर जाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और अब ये मैसेज जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के पास ये मैसेज जाने के बाद स्पाइनल कॉर्ड में वहाँ पर हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है कि स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं बहुत ज़्यादा इंटरन्यूरॉन्स। ठीक है बेटा, इंटरन्यूरॉन्स इस मैसेज को पहुँचा देंगी मोटर न्यूरॉन्स को, क्योंकि हमें पता है कि इंटरन्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है, वो लिंक करती है सेंसरी न्यूरॉन्स को विद मोटर न्यूरॉन्स। ओके हो गया बेटा, उसके बाद ये मोटर न्यूरॉन्स मैसेज को लेकर जाएंगी इफेक्टर्स के पास। ठीक है, अब जो हमने एग्जांपल ली है इसमें इफेक्टर हमारे पास क्या होंगे, हमारी बॉडी के मसल्स। ठीक है, हमारी बॉडी के मसल्स हैं ये, हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे इफेक्टर्स। अब ये मसल्स जो हैं वो फर्दर एक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट के ज़रिए से मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन का। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये डायग्राम है रिफ्लेक्स आर्क की इन रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि आपको मिलेगी पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर हमारे पास पेन रिसेप्टर्स हैं, पेन रिसेप्टर्स इन स्किन, और ये हमारे पास कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है। जैसे ही हमारा हाथ जो है वो किसी गर्म चीज़ को लगता है या किसी भी नोकीली चीज़ के साथ लगता है, तो ये जो हाथ के ऊपर हमारे पास रिसेप्टर्स हैं ये मैसेज को लेकर जाते हैं। ये आपको ग्रीन लाइन में नज़र आ रहा है, ये मैसेज जो है हमारे पास, ये ग्रीन लाइन जो है ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज को लेकर जाती हैं हमारे पास, ये हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे पास है
स्पाइनल कॉर्ड मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन ले गई स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं इंटरन्यूरॉन्स, ठीक है। ये इंटरन्यूरॉन्स मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन से लेंगी और मोटर न्यूरॉन्स को दे देगी। ये ब्लू में लाइंस हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये ब्लू में लाइंस को कहा हुआ है मोटर न्यूरॉन्स। अब ये मोटर न्यूरॉन्स लेकर आ गई हैं यहाँ पर मैसेज, ये ब्लू वाली लाइंस ये लेकर आ गई हैं मसल सेल्स के ऊपर, जिन्हें हम कहते हैं इफेक्टर्स, ठीक है। मसल सेल्स को हम क्या कहते हैं, इफेक्टर्स। ये मसल टिश्यूज तक ले आई हैं इनको। अब ये मसल टिश्यूज जो हैं ये हमारे पास एक्शन परफॉर्म करेंगे, ये हैं जो मसल्स हैं ये पुल हो जाएंगे और हमारा हाथ ऑटोमेटिकली वापस उठ जाएगा, तो गर्म चीज़ से हाथ ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्स एक्शन की डायग्राम मैंने आपको समझा दी कि जो पूरा पाथवे है जिसमें ये रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म किया गया है, इस पूरे पाथवे को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स विच कम्प्लीट्स अ रिफ्लेक्स सेक्शन इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क। वो पूरा रास्ता जिससे से एक नर्व इम्पल्स जो है वो आती है और रिफ्लेक्स एक्शन को कम्प्लीट करवाती है, उस पूरे रास्ते को हम कहते हैं, उस पूरे पाथवे को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा रिफ्लेक्स एक्शन का जो टॉपिक है वो कम्प्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।